हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ओजा शंकर फ्रॉम एजाइस एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ एनालाइज द हिंदू न्यूज़पेपर विद एजाइस। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। हम लोग उसको देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है और उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं ताकि हम अपने मेंस आंसर राइटिंग को सप्लीमेंट कर सकें, प्लस प्रीलिम्स में अगर इसके आसपास का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया लाइकली टू रिकॉर्ड नॉर्मल मानसून दिस ईयर सेज स्काईमेट। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं इन द हेडिंग, देर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, नॉर्मल मानसून, ठीक है, दूसरा स्काईमेट। स्काईमेट क्या है? स्काईमेट एक प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट कंपनी है जो वेदर फॉरकास्टिंग पे काम करती है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि इंडिया में नॉर्मल मानसून आएगा। इसमें अब नॉर्मल मानसून आएगा, ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि हमारे न्यूज़पेपर में आ रही है? क्योंकि यार मतलब कोई बड़ा इवेंट होता है तब आती है ना बात। यहाँ तो नॉर्मल है, बिकॉज आज के टाइम पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन बन चुकी है कि नॉर्मल होना ही बहुत बड़ी बात हो, और नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन, नॉर्मल मानसून रेन जो आ रहा है, ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बट ये न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं एग्जिस्ट करती है, कुछ इश्यूज भी हैं उसके साथ साथ जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है कि आईएमडी जो हमारे इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, उसने भी कहा था कि फेवरेबल मानसून रहेगा, मतलब जो इंडिया के फायदे का मानसून है, जिससे इंडिया के, अब मानसून से क्या होता है, मानसून क्या है, हमारा रेनफॉल पैटर्न, हमारा रेन पैटर्न है। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, रेन पैटर्न से हमारा एग्रीकल्चर डायरेक्टली लिंक्ड है, और ये एग्रीकल्चर लिंक्ड होने के कारण हमारी बहुत बड़ी आबादी, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इस एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व है। अब वो लोगों को अगर मानसून अच्छा होगा तो पानी अच्छा मिलेगा, पानी अच्छा मिलेगा तो खेती अच्छी होगी, इसलिए वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। और ये फेवरेबल कंडीशन कब बनी है, जब एलनीनो फेड कर रहा है। अब एलनीनो क्या है, एलनीनो के कंसेप्ट को थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में देख लेना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एलनीनो। ठीक है, लानीना, इनसो, इन तीनों कंडीशंस को एक बार आप डिटेल में पढ़ लेंगे। एलनीनो जो होता है, मैं इन ब्रीफ बता देता हूँ, एलनीनो वैसा कंडीशन है जहां पे रेनफॉल के चलते, मतलब रेनफॉल कम हो जाता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में गर्मी बढ़ जाती है, वहां का जो वाटर है वो वार्म हो जाता है, उसके चलते इंडिया में बारिश कम होती है, और उसका अपोजिट है लानीनी। इस कंसेप्ट को आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिटेल में मैं समझाऊंगा काफी टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो एलनीनो खत्म होने के बाद से आईएमडी ने भी कहा है कि नॉर्मल रेनफॉल पैटर्न हमारे देश में देखने को मिलेगा। बट ये जो नॉर्मल रेनफॉल पैटर्न है, ये थ्रू आउट इंडिया, मतलब पूरे भारत में बिल्कुल इक्वल लेवल पे नहीं होगा। पूरे भारत में ऐसा नहीं है कि सारी जगह पे नॉर्मल सी रहेगी, ओवरऑल इंडिया में चीजें नॉर्मल होंगी, बट दैट डजंट मीन कि पूरे इंडिया में ही रेनफॉल पैटर्न नॉर्मल होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है कि भारत एक, मतलब एक रफ मैप अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इंडिया का एक लैंड मास काफी बड़ा लैंड मास है ना, तो एवरेज रेनफॉल इंडिया में जितनी होती है उतनी ही होगी, लेकिन अलग अलग इलाकों में जो रेनफॉल्स होती है, सॉरी फॉर द डायग्राम, ये अच्छा तो बना नहीं है, बट अलग अलग इलाकों में जो रेनफॉल होती है कहीं पे ज्यादा होगी तो हो सकता है कहीं पे लेस रेनफॉल हो। कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कहाँ पे लेस हो रही है, ये भी इस आर्टिकल में बताया गया। और रेनी डेज कितने बढ़े हैं, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है कि जब बारिश होती है तो 10 दिनों तक धीमे धीमे बारिश हो रही है, तो पानी की क्वांटिटी पर जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में गिर रही होगी,
लेकिन वही उतनी ही पानी की क्वांटिटी जो पहले 10 दिनों में गिर रही थी, अभी के सिचुएशन में ऐसा क्या होगा कि वही पानी की क्वांटिटी 5 दिनों में शायद गिर जाए, या 6 दिनों में गिर जाए, या 8 दिन में ही गिर जाए। 8 दिन तो चलो फिर भी 10 के क्लोज है, वही पानी की क्वांटिटी 5 दिन में गिर गई। वही बारिश जो 10 दिनों में होनी थी वो 5 दिनों में हो गई। अब क्या है, सॉइल की तो एक अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के का कोई लिमिटेशन है, लेकिन पानी तो ज्यादा आ गया, तो क्या होगा, या तो फ्लड आ जाएगा, पर वो फ्लड आने के चलते फिर पानी तो बह गया, सॉइल इरोजन हुआ, वो तो अलग की बात है। अब आगे जो पानी सेव होना चाहिए था वो सेव नहीं हुआ, उसके चलते ड्रॉट भी आ जाएगा। इस कंडीशन के चलते दो इश्यूज क्रिएट होंगे मेनली, वो है फ्लड एंड ड्रॉट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रेनी डेज वैरी कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्टर पीरियड में रेन हो रहा है। और क्या बताया गया है, स्काईमेट का कहना है कि 102% के आसपास बारिश होगी विद 5% एरर, मतलब 102% प्लस माइनस 5, ये हमारा रेनफॉल का एक एवरेज होगा कि इसी के आसपास हमारा रेनफॉल होगा। ओके, और किस महीने में होगा, फ्रॉम जून टू सितंबर। और कहाँ पे रेन ज्यादा होगा और कहाँ पे रेन कम होगा, ये बात भी बताई गई है। तो रेन ज्यादा होगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ये वाला जो महाराष्ट्र का इलाका है, एमपी का इलाका है, यहाँ पे ज्यादा होगा। और जो ईस्टर्न साइड है, बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का, ये रिस्क है डिफिसिट रेनफॉल। डिफिसिट रेनफॉल मतलब, डिफिसिट मतलब जहाँ पे कमी रह जाती है, जहाँ पे कमी रह जाएगी थोड़ी सी बारिश। ठीक है, इस आर्टिकल में सिंपली यही बात बताई गई। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा आर्टिकल देखें। द कॉरिडोर ऑफ कोलकाता बाईपास अर्बनाइजेशन। अब देखिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है वो यूपीएससी मेंस के सिलेबस में एज इट इज मेंशनड है, वो अर्बनाइजेशन, और इससे हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो डायरेक्ट अर्बनाइजेशन से आ जाए, अर्बन प्लानिंग से आ जाए, वाटर मैनेजमेंट से आ जाए, अर्बन में इसी के आसपास जो है क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट आ जाता है। इस टॉपिक में ऐसी कौन सी खास बात है, इस आर्टिकल में ऐसी कौन सी खास बात है कि ये हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। तो इस आर्टिकल में रोड्स का इम्पोर्टेंस बताया गया है, कैसे रोड्स के बेसिस पे शहर बदल जाते हैं, नए रोड्स के बनने के बेसिस पे शहरों की रूपरेखा, शहरों का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, हाउ डज इट चेंजेस, इट हैज बीन डिस्कस दिस आर्टिकल। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ पे कोलकाता की एक केस स्टडी ली गई है कि हाउ कोलकाता हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द बाईपासेस। इसी के बेसिस पे हम लोग बाकी शहरों का भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी शहरों में कैसी चीजें चल रही हैं। आई विल एक्सप्लेन विद फ्यू एग्जांपल्स और इस आर्टिकल को हम लोग फिर सप्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स दिए हैं इस आर्टिकल में, वो कीवर्ड्स को हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग। जो हमारे राइटर हैं उनका कहना क्या है कि अर्बनाइजेशन है भारत में वो 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर के चलते, 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट कॉलोनियलिज्म, जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने अर्बन एरियाज को डेवलप किया। दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन, हमारे देश में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हरित क्रांति भी जिसको कहते हैं। एंड थर्ड न्यू लिबरलाइजेशन, जो न्यू लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स हैं उसके चलते भी एक अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये सारे लोग उसी समय डेवलप हुए। जैसे अंग्रेजों के समय कोलकाता काफी डेवलप्ड शहर था, चेन्नई में मद्रास प्रेसिडेंसी का वो कैपिटल हुआ करता था, बॉम्बे का मुंबई हुआ करता था, दिल्ली तो कैपिटल था ही, ये सब डेवलप हो रहे हैं। अब क्या है, जैसे आप दिल्ली में ही देखोगे, कोलकाता में, किसी भी शहर के जो देखोगे आप, तो एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि एक पुराना इलाका पहले बीच में है और नया इलाका उसके फेरी फेरी वाले एरियाज में ग्रो कर जाता है। जैसे दिल्ली में आप जाओगे तो जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली का जो इलाका है जिसको दिल्ली 6 कहते हैं, ठीक है, दिल्ली 6 के आसपास आपको पुरानी बस्ती दिखेगी, दो दो साल, चार चार साल, 400 साल पुरानी घर, इमारतें, कोठियां नजर आ सकती हैं, पल्ली माराम के इलाकों में जाओ। लेकिन वहां पे पतली सड़कें हैं, ज्यादा डेवलपमेंट करने का स्कोप बचा नहीं, तो अर्बन प्लानिंग की गई थोड़ी बहुत और दिल्ली को थोड़ा बड़ा किया गया। तो कहाँ बड़ी हुई दिल्ली, साउथ दिल्ली आया, नॉर्थ दिल्ली आया,
वेस्ट दिल्ली आया, फिरोजबाग बटेर नगर का इलाका वेस्ट दिल्ली में चला गया, लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली में चला गया। अब यहाँ भी जब लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लगी तो एनसीआर का डेवलपमेंट हुआ, नेशनल कैपिटल रीजन, नोएडा, गुड़गांव, मेरठ, गाजियाबाद, इन सब इलाकों पे भी अब फोकस हो रहा है। सेम थिंग गोज विथ कोलकाता। कोलकाता में भी जो ओल्ड कोलकाता है, फिर अभी नया भी इलाका डेवलप हो रहा है, साउथ कोलकाता का डेवलप हो रहा है। मुंबई में भी आप देखिए साउथ बॉम्बे, अब जो है न्यू अर्बन प्लानिंग के थ्रू साउथ बॉम्बे डेवलप हो रहा है, साउथ मुंबई डेवलप हो रहा है। अब उसके आसपास के इलाके थाने, कल्याण, ये सारे इलाके जो है अब जो अर्बन सेमी अर्बन सेंटर्स से, अब वो अलग तरीके से डेवलप होकर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन इस आर्टिकल में कैसी केस स्टडी है कि कैसे रोड्स के चलते एक क्लास डिवाइड क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो जब कोई शहर डेवलप होता है, जब कोई शहर डेवलप हुआ, मान लीजिए कि पहले एक पुराना यहाँ पे टाउन बसा करता, अब यहाँ पे से बीच से पतली पतली सड़कें जाया करती थी, जिन्होंने पुरानी दिल्ली या कोई भी शहर का पुराना हिस्सा देखा हो तो वहां पे सड़कें काफी पतली होती थी। ठीक है, फिर उसके आसपास नए शहर बसने लगे अर्बन प्लानिंग के थ्रू। लेकिन अब देखा गया कि अब यहाँ से अगर बेसिक बड़े बड़े ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जाने लगेंगे तो शहर में जो है ट्रैफिक का इश्यू आएगा। इसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया, बाईपास का प्लान निकाला। बाईपास मतलब जैसे अगर ये शहर है हमारा, उसके किनारे से ऐसी रोड निकल जाएगी कि शहर के बाहर बाहर से ही आप दूसरे शहर में चले जाएंगे। अब तो शहर के भीतर एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे क्या होगा, ट्रैफिक जो है वो फ्री फ्लो में चला जाए। द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज नेसेसरी। ओके, और इससे क्या होगा कि फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल एंड आइडियाज इजी हो जाएगा। अगर कोई ट्रक है, कोई सामान लेके, अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है जो कोलकाता में है, वहां से लेके वो सामान आ रहा है दिल्ली, तो जितने भी शहर है उनके बीच से अगर ट्रक्स आने लगेंगे सारे शहर जाम, फिर कोलकाता भी जाम होगा, दिल्ली भी जाम होगा। तो बाईपास रोड्स को बनाया गया कि आप यहाँ से आइए, गाड़ी निकालिए और जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए, ताकि पेट्रोल भी कम लगे, टाइमिंग भी कम लगे, ट्रैफिक कंजेशन भी ना हो, लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, और इसके चलते बहुत बेनिफिट भी हुआ। लेकिन दो इकोनॉमिस्ट, कल्याण सान्याल और राजीव भट्टाचार्य, जो आईआईएम कोलकाता के प्रोफेसर है, ठीक है, फ्रॉम आईआईएम कोलकाता प्रोफेसर है शायद, इन लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन था इनका, कि बाईपास रूट जो था उसने ओल्ड रूट को एक तरीके से रिप्लेस कर दिया, और उस ओल्ड रूट के रिप्लेस होने के बाद अब ये चीज देखी जा रही है कि जो नया रूट बना है उस रूट के चलते ओल्ड रूट जो है वो ऑलमोस्ट इरेलीवेंट हो चुका है, और इस इरेलीवेंसी के चलते जो मार्केट एरिया है वो नए रोड के आसपास बस रहा है, नए बाईपास के आसपास बस रहा है। देन द क्वेश्चन हियर अराइजेस, Whose city is it? फिर ये शहर किसका है, अमीरों का है या गरीबों का? ठीक है, अब जब बाईपास बना तो 7 स्टार होटल्स, अपार्टमेंट्स, क्लब्स, हॉस्पिटल, मॉल, ये सारे वहीं पे उसी के आसपास जाके बसने लगे। और तो अब क्या ये जो शहर है वो सिर्फ अमीरों के लिए ही है? इज इट ओनली फॉर द कंजम्पशन ऑफ द रिच? और अगर उसके आसपास कोई हाउसिंग कॉलोनी टाइप के या सोसाइटी वाले एरियाज डेवलप भी हुए तो वहां पे अलग अलग टाइप के फ्लैट्स का टैग हो गया। कैसा फ्लैट? HIG, MIG, LIG फ्लैट्स। मतलब HIG मतलब हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड लोअर इनकम ग्रुप के अलग अलग कैटेगराइज करके फ्लैट्स बना दिया गया कि भाई जो हाई इनकम ग्रुप है उनको 4 कमरे का फ्लैट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनको 3 कमरे का मिलेगा, जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको 2 कमरे का छोटा मकान, इस तरीके से बांट दिया गया। मीन्स देयर वाज अ और देयर इज अ क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो जितना अमीर है उसको उसी हिसाब से मिलेगा। और ये क्यों हो रहा है, बाईपास रोड के बनने से, ऐसा इस आर्टिकल में हमारे राइटर का कहना है। ठीक है, एंड दिस हैज क्रिएटेड अ इश्यू ऑफ अर्बन आउटकास्ट। कितना अच्छा वर्ड है अर्बन आउटकास्ट, इसको वर्ड को आप इस्तेमाल कीजिए अपने आर्टिकल में, अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, काफी अच्छा इम्पैक्ट बनता है इन सारे वर्ड्स, अर्बन आउटकास्ट। ठीक है, अब ये क्या है, अब देखिए समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोई पॉश इलाका,
मान लीजिए कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस पॉश इलाका हो गया, वहां पे बहुत बढ़िया मार्केट प्लेस है। आप वहां से साउथ दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो न्यू डिफेंस, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, कैलाश, ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके आपको बहुत बढ़िया एकदम दिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो काम करने वाले लोग, मतलब जो डेली वेज लेबरर्स हैं, जो इस इन इलाकों में काम कर रहे हैं, या जो वैसे लोग हैं जिनका इनकम ज्यादा नहीं है बट उनका ऑफिस इसी इलाकों के आसपास में, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसके आसपास के इलाकों को ऑप्ट करेंगे रहने। फॉर एग्जाम्पल बदरपुर, संगम विहार, जो थोड़े सस्ते इलाके हैं कॉम्पिटेटिवली, वहां पे रहने लगे। उन्हीं लोगों को यहाँ पे अर्बन आउटकास्ट कहा गया है, ठीक है। और ये फ्रेज किसने यूज किया है, बॉडियन सोशियोलॉजिस्ट ने यूज किया है, ठीक, अर्बन आउटकास्ट। और इसके चलते क्या हो रहा है, अब वो अर्बन आउटकास्ट, एक तो उनके दिमाग में ये चीज बन गई कि एक डिप्रिवेशन है हमारे में, हम लोग गरीब हैं थोड़े से, और एक इनइक्वलिटी की भावना आ रही है, सब्जुगेशन आ रहा है, उनको उतनी बेहतर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है जितनी बेहतर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, कोई रिच क्लास का एरिया होगा तो वहाँ फैसिलिटी ज्यादा होंगी, लेकिन कोई गरीब क्लास का इलाका होगा तो कंपेरेटिवली कम फैसिलिटीज मिलेंगी। सेम थिंग गोज हियर आल्सो, ओके। अब इस चीज के चलते क्या हो रहा है कि जो सर्विस क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप का जो क्लास है, उन लोगों के मन में भावना आ रही है, जो इनइक्वलिटी की भावना आ रही है, जो अमीर क्लास है उनके मन में भी एक इनइक्वलिटी की भावना आ रही है कि हम लोग अमीर हैं, हम लोग ज्यादा संभ्रांत हैं, ठीक है। एंड लेबर मार्केट जो है वो इलीट्स के आर्म्स के नीचे, मतलब इलीट्स के बाहों के नीचे, इलीट्स के हाथों के नीचे दबते जा रहे, ओके। और यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि मोरल राइट्स पर क्या मैं कहता हूँ। एक ह्यूमन बीइंग है जिसको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, दूसरे ह्यूमन बीइंग को नहीं मिल रही हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि एक रोड वहां से डेवलप हो गई। ये पहले उस इलाके में कोई एक एक्स वाई जेड पर्सन रहते होंगे, फॉर एग्जाम्पल गुरुग्राम, आज से 50 60 70 साल पहले वहां पे क्या इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे लोकल एग्रीकल्चर करने वाले लोग रहा करते थे, बट वहां जब गुरुग्राम डेवलप हुआ, उनकी जमीनें महंगी हो गई, तो एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है ना इस चीज के चलते। ये यहाँ पे उसी डिवाइड की बात, ओके। अब इस डिवाइड के चलते अलग अलग इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि लोग कौन, शहर किसका है, कौन कहाँ पे रहेगा। जो रोड, जो इलाका, जो एरिया जहाँ पे आज एक इलीट क्लास बस रहा है, वो कभी किसी किसान का हुआ करता था, जो आज वहां पे जा भी नहीं सकते। मेन कंटेंशन इस आर्टिकल का ये चीज है कि एक सड़क बन गई और उसके आसपास का इलाका डेवलप हो गया, बट उस इलाके के लोग डेवलप नहीं हुए, वहां पे वो लोग आ गए जो रिच थे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड बाईपास अर्बनिज्म। ये देखिए कितना अच्छा वर्ड, बाईपास अर्बनिज्म। एक यहाँ पे क्या था, अर्बन आउटकास्ट बाईपास। अभी कभी रोड से रिलेटेड कोई बात का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस टर्म का यूज कर सकते हैं, बाईपास अर्बनिज्म, ठीक है। अ स्लो बट स्ट्रांगली इमर्जिंग कंसेप्ट इन अर्बन स्टडीज। अर्बन स्टडीज में कि बाईपास के आसपास का जो शहरी क्षेत्र बस रहा है उसके बारे में बात हो रही है। इन सारे वर्ड्स का आप जब अपने मेंस के आंसर में यूज करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि द पर्सन इज लर्नेड, जो जो आंसर लिख रहा है वो एक लर्नेड इंसान, वो काफी बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान हो, ये कॉपी चेक करने वाले को जरूर लगे, ठीक है। अब ये कहा क्या जा रहा है और आर्टिकल में, कि जो बाईपास रोड है उनको इसलिए बनाया गया था कि ट्रैफिक फ्लो अच्छे से जा सके, लेकिन इस बाईपास रोड के चलते हो क्या रहा है कि एक क्लास डिवाइड क्रिएट हो जा रही है। जो रोड जिसको गुड्स, आइडियाज, ह्यूमन बीइंग, इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वही आज एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर अपना रहा है, ठीक है। तो हमें इस चीज को मिनिमाइज करना होगा। जब भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो तो उसमें एसिमिलेशन होना चाहिए। एसिमिलेशन मतलब हर सोसाइटी के लोग रहने चाहिए उस, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन के लोग रहने चाहिए, और वो कोई सोशल क्लास के बेसिस पे नहीं होने चाहिए।
इस सोशल क्लास के या अमीर या गरीब या कोई कास्ट या कोई रिलीजन के लोग होने चाहिए, बट वहां पे एक इंक्लूसिव चीज होनी चाहिए। और इस जो अर्बन इलिटिज्म या अर्बन आउटकास्ट का जो इशू है, ठीक है, इन इशू को हम लोगों को, इस बॉटल नेक को हम लोगों को सॉल्व करना होगा, ताकि ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बनता है बाईपास होने, बाईपास रोड बनने के चलते, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या बात थी कि रोड के आसपास एक अर्बन सेंटर डेवलप हो रहा है, और वो अर्बन सेंटर भी अमीरों के हाथ में जा रहा है, गरीब लोग जो वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो लोग वहाँ पे का फायदा नहीं उठा पा रहे। यही मैंने यहाँ पे बात की गई। ओके, अब इस क्वेश्चन के हेल्प से आप ये जो आपको टर्म्स मिले यहाँ पे, जो पॉइंट्स मिले, उनको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में करके कर सकते हैं। अब ये थर्ड टॉपिक, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। ग्रॉस मिसमैनेजमेंट किस चीज का मिसमैनेजमेंट हो रहा है ग्रॉस तरीके से? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। 2025 तक टीबी को इंडिया से एलिमिनेट कर दिया, करने का एक टारगेट था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, 2025 तक हमारे देश से टीबी को इराडिकेट नहीं, एलिमिनेट करना था, मतलब ऑलमोस्ट खत्म करना था। लेकिन अभी हम लोग उस टारगेट से काफी पीछे चल रहे हैं। क्यों पीछे चल रहे हैं भाई? यही चीज इस आर्टिकल में बताई गई, और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब टीबी के साथ सबसे बड़ी इशू आज के डेट में क्या हो रही है? ये टीबी एमडीआरटीबी में कन्वर्ट हुआ, मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। अब टीबी के लिए कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मेडिसिन चलती हैं, वो मेडिसिन हमारे जो बॉडी पे एक टाइम के बाद असर करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया हमारे अंदर में है वो इससे रेजिस्टेंट हो जाता है, और उस रेजिस्टेंस के चलते आपको अलग अलग दवाइयां बार बार खानी पड़ती हैं, और वो बार बार उन दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स द इशू ऑफ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, अब इसका मेजर इश्यूज क्या क्या है, क्यों ये चीज हो रही है? तो फर्स्ट, डिले इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट इनिशिएशन, मतलब लोगों को लेट से पता ही चल रहा है, अगर खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, जाके बगल की केमिस्ट शॉप से, फार्मासिस्ट से दो चार टैबलेट ले लिया, पैरासीटामोल की गोली खा ली, थोड़ा सा ठीक लगा, फिर खराब हुआ, फिर खा ली। एक 10 दिन 15 दिन हम लोग इसी तरीके से चलते हैं। उसके चलते क्या होता है कि कंडीशन और क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, तो एक डायग्नोसिस का इशू हो जाता है, बहुत बड़ा इशू है। ओके, सेकंड इशू क्या है कि लोग थेरेपी स्टार्ट कर भी देते हैं, अगर स्टार्ट थेरेपी बट नॉट बट फेल टू अचीव ट्रीटमेंट सक्सेस, मतलब कि अब मान लीजिए किसी को है टीबी, और वो 10 मार्च से उसको टीबी का इनिशियल सिम्टम थे बट वो इग्नोर कर रहा था। अब 10 अप्रैल को उसको पता चला कि नहीं भाई, मुझे कंफर्म टीबी है, मुझे इसका इलाज प्रॉपर वे में कराना है। अब वो पर्सन 10 अप्रैल से इलाज कराना स्टार्ट किया, अब इलाज जो है वो 4 मंथ का है। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक इसको इलाज कराना पड़ता, लेकिन अब ये इंडिविजुअल क्या करेगा, जुलाई के जगह मई में ही जब इसको थोड़ा आराम लगने लगा, इसने दवाई खानी छोड़ दी। आपको तो आराम लग रहा है इनिशियली, दवाई तो आपने खानी छोड़ दी, लेकिन वो जो वो टीबी है, टीबी के बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी में अभी भी मौजूद है। जैसे ही आपने दवा खानी बंद की, फुल कोर्स को कंप्लीट नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन, दे विल ग्रो एंड अटैक यू अगेन। एंड थर्ड इशू है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, दवाइयों का ना मिल पाना। वो 8% लोगों के लिए, 8% जो बीमारियां हैं, जो लोग हैं जिनका फैटलिटी हो रही है, वो सिर्फ मेडिसिन के लैक, ड्रग समय से नहीं मिल पाने। ठीक है, और क्या है कि शॉर्टेज ऑफ ड्रग सेंसिटिव टीबी मेडिसिन, अलग अलग ड्रग्स हैं जो टीबी को, मतलब टीबी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग ड्रग्स हैं जो अलग अलग तरीके की टीबीज को ट्रीट करते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो जाना भी है बहुत बड़ा इशू है। ठीक है,
और एक पांचवा जो इश्यू है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, फिर यहाँ पे एक मैटर आ जाता है। क्या मैटर है भाई कि जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको, वो जो है स्टेट मिनिस्ट्रीज को परमिशन नहीं देती। हेल्थ मिनिस्ट्रीज परमिशन टू स्टेट टू प्रोक्यूर ड्रग्स लोकली एट लास्ट, उसको लोकली कह दिया जाता है कि आप प्रोक्योर कर लीजिए, नेशनल लेवल पे हम लोग आपको प्रोक्योर करने का परमिशन नहीं देंगे। इस चीज के चलते स्टेट्स को दवाइयों की प्रॉब्लम होती है, स्टेट को दवाई की प्रॉब्लम होती है तो स्टेट हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं जा पाती हैं। जब स्टेट हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं जा पाती हैं तो वहां के जो पेशेंट्स हैं वो सफर करते हैं। तो इन पांचों चीजों को हमें सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व कैसे होगा? पहला प्रॉब्लम क्या है? इज इट, हमें सबसे पहले डायग्नोसिस पे फोकस करना होगा, हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करानी है सबसे पहली चीज, इग्नोर नहीं करना होगा। दूसरी चीज, थेरेपी जब स्टार्ट की है तो उसको लास्ट तक कंप्लीट करना होगा, डॉक्टर के टच में रहना होगा और पूरी थेरेपी कंप्लीट करनी होगी। थर्ड, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को इंक्रीज करना होगा ताकि मेडिसिन सही जगह तक सही समय पे पहुंच पाए, उसका प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, फोर्थ, जो मेडिसिन है जिनका शॉर्टेज हो रहा है उनके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए कंपनीज को, ठीक है? अगर इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज पे फोकस करना चाहिए। जो एपीआईज होते हैं मेडिसिन के, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अगर वो जरूरत पड़ रहा है, ये सिर्फ मैं टीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल हेल्थ सिस्टम में मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, अगर एपीआई की जरूरत पड़ रही है हमें उसको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है तो कैसे हम खुद एपीआई को डेवलप कर पाए, इस चीज की तरफ भी हम लोगों को अपनी अपना कदम बढ़ाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सेंटर और स्टेट के बीच में एक स्मूथ वे फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा ताकि सेंटर और स्टेट के इंटर डिपार्टमेंटल क्लैशेज के चलते कोई इंडियन सिटीजन ना सके। ओके, ये सारी चीजों को जब हम लोग करेंगे तो हम लोग, ये एक टीबी का एग्जाम्पल था, टीबी के लिए भी हो सकता है और भी कोई भी डिजीज हो, ठीक है, कोई भी फैटल डिजीज हो, उस पे भी हम लोग इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। पांच इश्यूज हो गए, पांच वे फॉरवर्ड हो गए, ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने आंसर पे फोकस कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला आर्टिकल है, राइट टू फ्री क्लाइमेट चेंज अफेक्ट एमिट कंजर्वेशन डायलेमा। कल 6 अप्रैल को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि राइट फ्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट टू बी फ्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को क्या कर दिया था, फंडामेंटल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। क्यों बनाया था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन से रिलेटेड केस चल रहा है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ये बर्ड होती है, ठीक है, एंड दिस आर द हेवीएस्ट बर्ड कैन फ्लाई, ये लोग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है, सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में आती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है। इन बर्ड्स को बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। क्यों हो रहा है इशू? क्योंकि ये बर्ड्स जो हाई वोल्टेज वायर्स ट्रेवल करते हैं राजस्थान गुजरात में, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स वहीं पे आते, ये उनका वहीं पे हैबिटेट है, तो गुजरात राजस्थान में जो हाई वोल्टेज के वायर्स होते हैं उन वायर्स में सट के ये बर्ड्स बहुत ज्यादा मर रहे हैं, उस पर केस चल रहा है, ठीक है। उस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट होगा। क्यों? क्योंकि फ्री आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर में क्लाइमेट और होलसम इन्वायरमेंट पहले से ही फंडामेंटल राइट था, तो ये इसको अभी उसमें ऐड किया गया एंड सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिस इज अनदर साइड ऑफ सेम पॉइंट कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट कब रहेगा जब हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाए, एंड दिस इज अ लॉजिकल थिंग। अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज कर जाएगा, स्टॉर्म्स आएंगे, ड्रॉट्स आएंगे, फूड का शॉर्टेज होगा, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हो जाएंगे, इन सारे के चलते हमारे इकोनॉमी पे, हमारे हेल्थ पे, सब चीजों पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, इस चीज को हमें सॉल्व करना चाहिए। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड
राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एज अ फंडामेंटल राइट। ओके, अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चलते हुए आप देखिए, मैं एक बार इनके हैबिटेशन के बारे में आपको समझा देता हूँ। ये हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आती हैं, रहती हैं, इनका ये हैबिटेट है, इसी इलाकों में वो घूमते रहती हैं। बट ये जो एरियाज है ना राजस्थान और गुजरात के, ये एरिया सोलर और विंड एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को हार्नेस बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अब उसको हार्नेस करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि ये बर्ड्स मारी जा रही है। हमारा एक टारगेट है कि हमें 2070 तक नेट जीरो एमिशन पे पहुंचना है। उसके लिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हमें अपने आप को फ्यूल करना होगा। यहाँ पे उसी चीज का क्लैश। तो कैसे हम डेवलपमेंट और क्या इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बीच में बैलेंस बना सके, यही आज का मेन टॉपिक इस आर्टिकल में। ठीक है, पर इसी बैलेंस को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्या सुना, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि वुमेन रिलेटेड, वल्नरेबल क्लास के रिलेटेड टॉपिक्स यूपीएससी में या तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं या फिर उनको आपको अपने आंसर्स में कोट करना होता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल लिखा है ये सौम्या स्वामीनाथन जी ने लिखा है। सौम्या स्वामीनाथन जी खुद एक बहुत बड़ी रिसर्चर रही हुई है, ये अभी भी है। ठीक है, और इनके जो फादर थे MS स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न भी मिलने जा रहा है, वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कहे जा रहे हैं। तो मैम का क्या कहना है कि क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। अब देखिए, ये आर्टिकल आप पढ़ते हो ना, तो एक तो आप जेंडर जेंडर से रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई आर्टिकल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लाइमेट पे आता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप बाद में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का नाम मेंशन कर देते हो एज अ स्कॉलर, कि दिस इज सेड बाय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, तो आपको एक एज मिलता है कि एक लेडी जो बहुत अच्छा रिसर्च कर रही है इस फील्ड में, जो यहाँ के एक स्कॉलर है, उनको आपने कोट किया है, मींस यू आर अ लर्नेड पर्सन, आपने चीजों को पढ़ा है, आपके पास चीजों की समझ। ओके, सो इस आर्टिकल पे आते हैं। मैम का कहना है कि वुमेन एंड गर्ल फेस डिस्प्रोपोर्शनेट हेल्थ रिस्क। डिस्प्रोपोर्शनेट हेल्थ रिस्क मतलब मेल को जिस प्रोपोर्शन में मिल रहा है उससे ज्यादा वुमेन और गर्ल्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो पॉवर्टी हो या क्लाइमेट चेंज हो, यहाँ पे वुमेन ज्यादा सफर करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। UNDP का कहना है कि वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर 14 times मोर लाइकली देन मेन टू डाई इन डिजास्टर। अब कोई भी डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आए या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आप सीधे यहाँ पे UNDP को, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज सेड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर 14 times मोर लाइकली देन मेन टू डाई डिजास्टर। तो आपके आंसर को एक सब्सटेंशिएटिव एज मिल जाएगा, भाई आपने एक रिकॉग्नाइज संस्था को कोट कर दिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आर्टिकल उसी कंटेक्स में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बनाया है क्लाइमेट चेंज, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। तो मैम का क्या कहना है कि वुमेन और गर्ल्स जो है वो क्यों ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड सोर्स फॉर वुमेन इन इंडिया। वुमेन इन इंडिया के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत सारी वुमेन उसमें इन्वॉल्व रहती है। पर क्लाइमेट ड्रिवन क्रॉप्स जो है, अगर उनका यील्ड रिड्यूस होता है, क्लाइमेट चेंज के चलते एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आएगा, क्रॉप लूज करेंगे, जब वो क्रॉप लूज करेंगे तो क्या होगा कि फूड की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, और फूड की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो वो जो पुअर क्लास जिनके पास पहले से ही खाना कम था,
जिनके पास पहले से ही मल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं थी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जिनका ज्यादा था, जिनका मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा था, वो क्लास और ज्यादा सफर, और जब वो क्लास और ज्यादा सफर करेगा तो उनको ऊपर लाने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे इकोनॉमी पे भी ज्यादा बर्डन आएगा, क्वालिटी पे भी ज्यादा बर्डन आएगा, और एज अ सोसाइटी हमारे में जो इग्लेटेरियन सोसाइटी जो हमें बनानी थी वो नहीं बन पाए। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फेल होते हुए देखा जा सकता है अगर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड गर्ल चाइल्ड यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया गया क्लाइमेट चेंज से। क्यों? क्योंकि ये उनपे डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? जब क्लाइमेट चेंज के चलते मैन को एक सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। क्या सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है? बिकॉज मान लिया कि किसी मैन ने एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया हो, तो वो लोन जो होगा वो अनपेड लोन के चलते उसको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या माइग्रेशन करना पड़ेगा, या सुसाइड भी करना पड़ सकता है कभी कभी कुछ केसेस। बट वुमेन को, मैम का कहना है कि वुमेन एक्सपीरियंस हायर डोमेस्टिक वर्क बर्डन, मतलब उनको घर पे ज्यादा काम करना पड़ सकता है, वर्स हेल्थ कंडीशन, ग्रेटर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, मतलब इसके चलते उन पे वायलेंस भी बढ़ जाती है। अब देखिए एक और चीज, जैसे राजस्थान का जो इलाका है या गुजरात का जो इलाका है जहाँ पे रेगिस्तान, वहां पे वाटर वाइफ्स का कंसेप्ट। वाटर वाइफ्स क्या है? कि बूढ़ी औरतों से ना शादी कर लिया जा कर लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पानी लाने का काम, पानी की इतनी समस्या है दूर दूर से जाकर उनको पानी लाना। ठीक है, एक ये इशू आ गया। दूसरा, अगर ये वाटर वाइफ नहीं भी है, अगर नॉर्मल महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो पहले तो उनको मान लीजिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से जाके पानी लाना पड़ेगा। उसमें उनके जाने आने का समय, उनका जो फिजिकल इंड्योरेंस था वो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आने के बाद उनको घर के सारे काम तो करने ही, फिर उनको अगर डोमेस्टिक कोई वायलेंस भी इसके साथ फेस करना पड़ता, तो सोचिए उनके बॉडी पे क्या हालत हो। और वो एग्रीकल्चर से भी जुड़ी है तो उनको खेत में भी जाके काम करना है। समझ रहे हो? द प्रॉब्लम ऑफ वेमेन इज इक्वल टू द प्रॉब्लम ऑफ मेन प्लस डेल्टा, एंड व्हाट इज दिस डेल्टा? यही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, इनफैक्ट जहां जिन डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉट आते हैं, जहां पे ड्रॉट्स है, वहां पिछले 10 सालों में यह देखा गया है कि वहां की वुमेन जो है, NFHS का डेटा है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, कि जो ड्रॉट वाले एरियाज है वहां की जो वुमेन है वो ज्यादा अंडरवेट होती है, उनको वायलेंस ज्यादा फेस करना पड़ता है, और वहां की लड़कियों की शादियां भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, और क्या है, वहां पे माल न्यूट्रिशन भी ज्यादा है, फूड इनसिक्योरिटी भी ज्यादा है, और इनकम में अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते उनका मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग भी खराब हो रहा है। मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग भी उनका खराब हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई उनको प्रॉब्लम ज्यादा है। और क्या है कि CEEW का एक रिसर्च है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, CEEW, इसने 2021 में क्या कहा है, 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे हाइड्रोमेट डिजास्टर, मतलब फ्लड, ड्रॉट और साइक्लोन का डिजास्टर का प्रॉब्लम होगा, पानी से रिलेटेड इश्यूज वहां पे 75% डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। और यहाँ पे रहने वाली आधी से ज्यादा औरतें इस चीज के चलते ज्यादा रिस्क, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे जैसे वाटर साइकिल का पैटर्न चेंज होता है, वैसे वैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी कम मिलता है। और एक चीज आप देखेंगे, ये हम लोगों के भी घरों में होता है, सबके घरों में ऑलमोस्ट होता है, कि जो माएँ होती है ना, माँ, वो सबसे लास्ट में खाना खाती है। जब वो सबसे लास्ट में खाना खाती है ना, तो उसको वही मिलता है जो बचा हुआ, उसको वो नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। यही चीज पूरे देश की औरतों के साथ अगर क्लाइमेट चेंज के चलते हो, तो सोचो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। दैट्स वाई ये जनरल न्यूट्रल नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, और क्या है कि प्रोलॉन्ग हीट वेव जो है, हीट वेव के चलते सारे लोग अफेक्ट होते हैं, सारे लोग मरते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यंग
कम है, कम मरते हैं, ओल्ड ज्यादा मरते हैं, बट प्रेग्नेंट वुमेन स्पेन का सबसे ज्यादा असर। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी बॉडी में एक और जान है, एक और बच्चा है, और उसको बचाने के लिए माँ अपने बॉडी से ही न्यूट्रिशन देती है, तो उस पे हीट का असर ज्यादा पड़ेगा। और क्या होगा, उसके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अनबॉर्न चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो पैदा अगर हो भी गया और माँ भी जिंदा रह गई, तो बच्चे की फिजिकल डिफॉर्मिटी, मेंटल डिफॉर्मिटी या कोई डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसका ब्रेन में भी सही तरीके से ग्रो ना कर। एक डेटा से ऐसा पता लगाया गया है कि 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर अगर PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, अगर 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से बढ़ रहा है ना, तो लंग कैंसर 9% तक बढ़ने के चांसेस है, और हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से डेथ, मतलब हार्ट अटैक से डेथ, इन सिंपल वर्ड में बता, हार्ट कार्डियोवास्कुलर डेथ मतलब सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता है, बट मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि कार्डियोवास्कुलर डेथ 3% से बढ़ जाता है, स्ट्रोक्स 8% से बढ़ जाते हैं, डिमेंशिया जो है वो 4% से बढ़ जाता है, तब जब 2 माइक्रोग्राम PM2.5 बढ़ रहा है। 10 से क्या हो रहा है, 9% कैंसर और 8% हार्ट का इशू, और 4 पे डिमेंशिया जैसी बीमारी आपको वुमेन में अफेक्ट ज्यादा कर रही है, ठीक है। अब आगे क्या कहा जाता है इसमें, कि व्हाट डज क्लाइमेट एक्शन नीड वुमेन, व्हाई डज क्लाइमेट एक्शन नीड वुमेन, वुमेन की जरूरत क्या है? ये जरूरत है कि हमें पेरिस क्लाइमेट डील जो हुई थी, जिसमें 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक अर्थ का मेंटेन रखना था, उसको मेंटेन करने के लिए हमें वुमेन को मेन स्ट्रीम लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये 50% पॉपुलेशन है हमारे देश का, हमारी दुनिया, ठीक है। और वुमेन इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड बाय 20 से 30%, एग्रीकल्चर का यील्ड वुमेन के चलते 20 से 30% बढ़ता है, और जो रूरल वुमेन है या ट्राइबल वुमेन है, ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत या ऐसे भी वॉलेंटरली भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते, ठीक है, और इस चीज के चलते इन लोगों को हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये बचा भी रही है हमारे लिए, मतलब मेंस के लिए वुमेन बहुत सारा संघर्ष कर रही है, और इनपे क्लाइमेट चेंज का असर भी ज्यादा है, इसलिए हमें इनके लिए एक देश के लेवल पे, एक पूरी दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे वुमेन के लिए इन द केस ऑफ क्लाइमेट चेंज में काम करना चाहिए, ठीक। और वे फॉरवर्ड, अब ये क्या है, ऑन हीट वेव एंड वाटर शॉर्टेज, मतलब यहाँ पे मैम ने एक तरीके का वे फॉरवर्ड दिया है, क्या है कि फर्स्ट वी शुड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग हीट वेव ऑन प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप पे हमें प्रोलॉन्ग हीट वेव का इफेक्ट कम करना होगा। प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, वर्कर, प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रेन और एल्डरली, इनपे कम करना होगा, खास करके हीट वेव के डेज में। अब ये कम कैसे होगा, यहाँ पे भी वही बात है, जो लोकल गवर्नेंस, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, इन लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन वल्नरेबल क्लास है जिसको सेफगार्ड करना चाहिए, उन लोगों के लिए अलग से ट्रेनिंग होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, और उनको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे पीने का पानी, ठंडा पीने का पानी, कूलिंग रूम्स प्रोवाइड होने चाहिए, जो इन ह्यूमन कंडीशंस में वो लोग रह रहे हैं वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। और क्या है, हीट वेव की वार्निंग देनी चाहिए, प्रॉपर वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, आउटडोर वर्क, मतलब जो काम करने का समय है बाहर जाने, स्कूल जाने का जो समय है, ठीक है, आउटडोर वर्क, स्कूलिंग, कूलिंग रूम, हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, और इमीडिएट ट्रीटमेंट टू दोस हु फेल इल विथ हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, वो बीमार हो जा रहे हैं, तो उनको भी तुरंत इलाज मिलना चाहिए, ये सारा सोल्यूशन मैम ने सजेस्ट किया है। और क्या सजेस्ट किया है, कि ट्री कवर को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, और क्या, ग्रीन ब्लू स्पेसेस को बढ़ावा देना चाहिए,
हाउसेस को ऐसा बनाना चाहिए कि वो लॉन्गर टेम्परेचर्स को झेल सके। यहाँ बहुत अच्छी केस स्टडी दी गई है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी केस स्टडी। इसको अगर आप अपने आंसर में कोट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको एज प्रोवाइड करेगा। क्या है? तो महिला हाउसिंग ट्रस्ट इन उदयपुर, उदयपुर में महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने क्या किया है, शोड दैट पेंटिंग रूफ्स ऑफ लो इनकम हाउसेस विथ रिफ्लेक्टिव व्हाइट पेंट रिड्यूस इंडोर टेम्परेचर बाय 3 to 4 डिग्री सेल्सियस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब सिर्फ लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के छतों को सफेद रंग के रिफ्लेक्टिव पेंट से रंग दिया गया तो ही उनके घर का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम होगी। ये कहाँ पे किया गया है? महिला हाउसिंग ट्रस्ट इन उदयपुर। ठीक है, मतलब ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, पीडीएफ से आप इसको कॉपी करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि ये एग्जाम्पल जैसे ही आपने कोट किया ना, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल गया, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा तो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, चलो इस टाइप के क्वेश्चन में और क्या है कि वाटर शॉर्टेज के चलते जो इशू आ रहा है उसके लिए हम लोगों को जो हमारे ट्रेडिशनल वे है वाटर कंजर्वेशन के उनके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनली वेल डेवलप्ड कंट्री इन केस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, बट मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने उस चीज को छोड़ दिया। तो पॉन्ड्स, कैनाल, टंकास, इन चीजों को बना के हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। ओके, और विलेज लेवल पे काम करना। एक छोटे से गांव की जहाँ पे की पॉपुलेशन 200, 500, 1000 है, वहां की जो इश्यूज है उस इश्यूज को उस लोकल लेवल पे ही सॉल्व करना। कि जब वहां की इश्यूज उस लोकल लेवल के लोगों को ज्यादा बेहतर पता, और जब ज्यादा बेहतर पता होगी तो वो ज्यादा बेहतर इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू गिव मोर पावर एंड मोर फाइनेंसेस टू द पंचायत एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस को भी इन्वॉल्व करना होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करानी होगी। क्या? और एक जेंडर लेंस लगाना पड़ेगा हमें क्लाइमेट इश्यूज को जब हम देखते हैं, ताकि हम लोग अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ ये भी देख सके कि जो इससे ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, जिनको इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, उन लोगों को जैसे कि वुमेन को, चिल्ड्रेन को, एल्डरली पीपल को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, या स्टेट्स ने उस बेसिस पे जो स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया है, उनमें जेंडर लेंस लगाने की जरूरत है, वुमेन और बाकी वल्नरेबल क्लासेस को अलग से सुविधाएं देने की जरूरत है। ठीक है, और इस स्टीरियोटाइप से हम लोगों को बाहर निकलना होगा कि ये एक नॉर्मल फेनोमेना है जो सबके लिए इक्वल नहीं है, ये वुमेन इससे ज्यादा अफेक्टेड है। और जब ये चीजें हम लोग करेंगे तो ना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वुमेन सेफ्टी बढ़ेगी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, बट इन लॉन्गर रन इट विल क्रिएट अ वुमेन लेड क्लाइमेटिक एक्शन। कितना अच्छी, कितनी अच्छी लाइन है, वुमेन कैन लीड द वे इन क्लाइमेट एक्शन। ऐसे आप लिख सकते हो, वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन प्लान्स कैन बी बेटर इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि वुमेन की प्रॉब्लम वुमेन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है। ठीक है, सो इस तरीके से आज का एनालिसिस ओवर होता है। कल हम लोग इसी टाइम पे फिर मिलेंगे, कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें आपको चाहिए, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, एंड फॉर नाउ हैव अ नाइस डे, वी विल मीट टुमारो। ओके, बाय।